ओके वेलकम यू ऑल आज एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं दैट इज़ गूगल फॉर्म गूगल फॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट ये एक ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू हम सर्वे क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट यूजर्स से या अपने ऑडियंस से डाटा को कलेक्ट करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसको एनालाइज कर सकते हैं राइट सो इन दैट केस वी हैव सम स्टेप्स जो हम गूगल फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे और क्रिएट करेंगे तो आज का बेसिक हमारा बेसिक टारगेट है दैट इज़ टू क्रिएट द गूगल फॉर्म स्पेशली फॉर क्रिएटिंग द क्विज और एम और कोई भी ऑनलाइन टेस्ट अगर कोई टीचर या एजुकेटर उसको रिकॉर्ड करना चाहता है सो हाउ टू क्रिएट द गूगल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि गूगल फॉर्म एक गूगल का टूल है तो आपको गूगल के ई मेल आई डी के थ्रू यू हैव टू साइन इन इन टू द गूगल तो आफ्टर एग्जैक्टली exactly जब आप साइन इन कर जाएंगे इसके बाद जैसे आप यहाँ पे आइकन देख रहे हैं दिस इज वॉट माई ई मेल आई डी इज एंड नाउ वी हैव दीज नाइन डॉट्स इस नाइन डॉट्स में गूगल के सारे प्रोडक्ट हैं आप इसे क्लिक कीजिए और क्योंकि हमें गूगल फॉर्म बनाना है तो उसका एक तरीका है कि हम यहाँ पे ढूंढेंगे फॉर्म्स सो वी आर गेटिंग दिस फॉर्म्स और हम इसे क्लिक करते हैं आफ्टर अप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास दो तो ऑप्शन आपको दिख रही होंगी फर्स्ट इज ब्लैंक एंड सेकेंड इज ब्लैंक क्विज अगर आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगी गूगल बनाने गूगल फॉर्म बनाने के लिए ब्लैंक क्विज एक ऐसा गूगल फॉर्म है ज पर्टिकुलरली फॉर मेकिंग अ क्विज फॉर्म तो हमारा पर्पज भी यही है कि हमें एम सी क्यूज क्रिएट करने हैं इसलिए हम क्लिक करेंगे ब्लैंक क्विज पे आफ्टर जब आप ब्लैंक क्विज पे क्रिक क्लिक कर देंगे तो आप सबसे पहले यहाँ दे सकते हैं टाइटल ऑफ द फॉर्म फॉर एग्जाम्पल आफ्टर गिविंग द टाइटल अब अनटाइटल क्वेश्चन में आप अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं दैट इज हु क्रिएटेड सी लैंग्वेज आफ्टर क्रिएटिंग अ क्वेश्चन देन यू कैन गिव मल्टीपल चॉइसेज फॉर एग्जाम्पल अब इस क्वेश्चन के बाद और तीन ऑप्शन देने के बाद आप अपना आंसर सेट कर सकते हैं विच इज द राइट आंसर सो मैंने यहाँ पे अपना एक आंसर टिक कर दिया जो सही है और इस क्वेश्चन को पॉइंट्स दे दिए दैट इज कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है तो फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स एंड वी आर डन ऐसे हमने एक क्वेश्चन अपना क्रिएट कर दिया

अटेम्प्ट करना ही है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 25 क्वेश्चन या 25 फाइव क्वेश्चन अपने स्टूडेंट को देते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि वो हर 25 फाइव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें अगर आप चाहते हैं कि वो अटेम्प्ट करें देन यू विल प्रेस अ स्लाइडर दैट इज कॉल्ड अ टॉगल बटन टेक्निकली दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड हर क्वेश्चन के राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा दैट इज रिक्वायर्ड अगर आपने इस रिक्वायर्ड को टिक कर दिया तो आपका स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा ही अटेम्प्ट अगर वो नहीं करता तो वो अपना ये कंप्लीट गूगल फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ सेटिंग्स में जो आपको गूगल फॉर्म के साथ करनी पड़ेंगी जिससे आप रिस्पॉन्स को प्रॉपरली डील कर सकें फर्स्ट हम चलते हैं गूगल फॉर्म की सेटिंग्स पे तो हमें यहाँ राइट साइड पे गूगल फॉर्म का गूगल फॉर्म पे एक गेयर का आइकन दिख रहा है दैट इज सेटिंग्स आप इसे क्लिक करेंगे ना व्हाट आर द जर्नल सेटिंग्स ना फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट द ई मेल एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट तो आप इस जर्नल सेटिंग्स में कलेक्ट ई मेल एड्रेस को टिक कर देंगे अब क्या आप चाहते हैं कि जो भी यूजर या जो भी स्टूडेंट आपका ये टेस्ट अटेम्प्ट करता है तो क्या उसको उसके आंसर्स का रिस्पॉन्स जाना चाहिए तो अगर आप चाहते हैं येस yes, तो वी हैव रिस्पॉन्स रिसिप्ट आप इसे क्लिक कीजिए अगर आप चाहते हैं कि उसको हमेशा वेन एवर वन स्टूडेंट हैज़ फिनिश्ड द रिस्पॉन्स उसको उसका रिजल्ट नहीं कह रहा हूँ मैं उसके उसके फॉर्म के रिस्पॉन्स जाने चाहिए तो आई विल गो विद ऑलवेज देन इसके बाद आया रिक्वायर्ड साइन इन अब क्योंकि ये जो मैंने साइन इन किया है ये एक पर्टिकुलरली कॉलेज की आई जो मुझे जी सूट के थ्रू मिली है मैंने उसके थ्रू किया है तो जितने मेरे यूजर्स होंगे अगर उनके पास भी ये जी सूट का आईडी होगा तभी वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इसलिए मैंने एक ऑप्शन रखी है रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर इलेवन एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेश्स तो जो भी मेरा स्टूडेंट होगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन का होगा जिसके पास एट द रेट जी सी इलेवन डॉट ए सी डॉट इन का आई डी होगा वही इसको अटैम्प्ट कर सकता है फर्स्ट सेकेंड अब एज अ यूजर क्या मैं दो बारी ये टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकता हूँ ऑब्वियसली नो क्योंकि आप हर एक पर्सन से एक ही बार अटैम्प्ट चाहेंगे तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए लिमिट टू वन रिस्पॉन्स तो आपका जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ही बारी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है और उसको सबमिट कर सकता है आफ्टर सबमिटिंग क्या वो एडिट कर सकता है एज़ अ टीचर आई डोंट वॉन्ट तो मैं इसको अनटिक रखता हूँ एंड उसको स्टूडेंट को समरी एंड चार्ट एंड टेक्सट रिस्पॉन्स दिखने चाहिए तो आप इसको टिक कर दीजिए अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी हैव द सेकेंड टैप कॉल्ड प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में वी हैव की स्टूडेंट को दिखेगा कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए उसके लिए वी कैन हैव शो प्रोग्रेस बार अब मैं उसको एक रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ बट उस रिस्पॉन्स के साथ एक मैसेज भी देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिसीव्ड after this i can go with the quizzes tab agar main quizzes pe jaunga to dekhiye yahan pe tick hai that is make this a quiz ye option by default tick kyu tha kyunki humne blank quiz pe tick kiya tha after this now we have कि क्या हम user को उसके marks immediately बताना चाहते हैं submission के या हम मैन्युअली बाद में बताना चाहते हैं अगर आप इमिजिएटली बताना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए और अगर नहीं तो आप लेटर वाली ऑप्शन को टिक कर दीजिए नेक्स्ट रिस्पोंडेंट दैट मीन्स मेरा स्टूडेंट स्टूडेंट जो है वो मेरे मिस्ड क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर्स को और पॉइंट वैल्यू को देख सकता है या नहीं देख सकता आप इन तीन चीजों में से जो भी चाहते हैं एग्जैक्टली exactly वो देखें आप उसे टिक कीजिए और अगर कोई भी चीज आप यूजर को शो नहीं करना चाहते तो आप उसे अनटिक कर दीजिए और ये सारी सेटिंग्स के बाद यू कैन सेव इट सेव करने के बाद आप देखेंगे तो वी हैव दिस गूगल फॉर्म नाउ जब आप ये सेटिंग्स कर देंगे इसके बाद मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म को यूजर्स तक पहुंचाना राइट right? सो so, ये काम करने के लिए आप जा सकते हैं सेंड ऑप्शन पे जो आपको राइट साइड टॉप पे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर आर यूजिंग द सेंड सेंड के बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं फर्स्ट मैं सारे स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दूँ फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं ये सेकेंड ऑप्शन पे जा सकता हूँ जहाँ अटैचमेंट का एक आइकन दिख रहा है मुझे एंड देन मुझे यहाँ पे एक लिंक देख रहा है दिस इज अव आर एल ऑफ माई फॉर्म आप इसे छोटा कर सकते हैं बाई शॉर्ट एंड यू आर एल आफ्टर द शॉर्ट एंड यू आर एल आप इसे कॉपी कर सकते हैं और इसे कॉपी करने के बाद आप अपने स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में या गूगल क्लासरूम वाले ग्रुप में सेंड कर सकते हैं जैसे ही यूज़र इसे क्लिक करेगा देन उसको साइन इन करना पड़ेगा और साइन इन उसे करना पड़ेगा थ्रू हिज कॉलेज आईडी एंड उसके बाद वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है आई होप अब तक आपको इस वीडियो में जितना भी गूगल फॉर्म के बारे में बताया है दैट इज क्लियर नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज अक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जैसे ही मैं ये फॉर्म यूज़र को शो करूँगा वैसे ही वो टेस्ट को अटैम्प्ट करें अटैम्प्ट करने के बाद एज अ गूगल फॉर्म क्रिएटर मैं उसके रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र अभी इस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट या अपने गूगल के फॉर्म को फिल ना कर सकें तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑफ कर दें जैसे ही आप इसको रिस्पॉन्स को ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका स्टूडेंट है वो आपके इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि अपने गूगल फॉर्म का प्रीव्यू तो आप सेटिंग्स के ही लेफ्ट साइड पे एक आपको ऑप्शन मिलेगी प्रीव्यू एंड आई एम क्लिकिंग ऑन दिस प्रीव्यू बटन जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है द फॉर्म एम सी क्यूज फॉर बी सी एज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स ट्राई कॉन्टेक्टिंग द ओनर इसका मतलब कि यूज़र जो है जो स्टूडेंट है आपका वो एम सी क्यू का फॉर्म नहीं फिल कर सकता जब आप एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑन कर देंगे उसके बाद ही यूज़र जो है वो आपके किसी भी फॉर्म को या क्विज को अटेम्प्ट कर सकता है अब हम देखेंगे कि अगर हम इस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और यूज़र जो है हमारा वो कोई भी फॉर्म अटेम्प्ट करता है तो एज अ टीचर और एज अ गूगल फॉर्म क्रिएटर हमें रिस्पॉन्स कैसे दिखेंगे तो वी गो विद द प्रीव्यू प्रीव्यू के बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ तो मुझे ये ईमेल एड्रेस अपना दिखा रहा है मुझे साइन इन के लिए इसने नहीं पूछा नाउ वी हैव अ ऑप्शन दैट इज़ हु क्रिएटेड सी लैंग्वेज और अभी मैं एक गलत आंसर पे टिक करता हूँ सो आई एम गोइंग विद द रिस्पॉन्स एंड आई एम सबमिटिंग द रिस्पॉन्सेज जैसे ही मैंने सबमिट किया यूज़र को एक मैसेज आएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिसीव्ड तो यूज़र को एक मैसेज दिख जाएगा दैट इज आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो गया है आफ्टर दिस अगर यूज़र चाहें क्योंकि हर स्टूडेंट का आईडी या जीमेल आईडी जो बना हुआ है दैट इज़ यूनिक तो वो दोबारा अपने सेम आईडी से इस फॉर्म को अटेम्प्ट नहीं कर सकता सो so, उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो चुका है अब एज एजुकेटर मुझे कैसे दिखेगा तो आई कैन सी द समरी और आई कैन सी द इंडिविजुअल दैट इज़ इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो ईमेल आईडी दिख रहा है और मुझे उसके रिस्पॉन्सिस दिख रहे हैं राइट एंड वी नो वॉट इज द करेक्ट आंसर अब मुझे एज अ शीट में एक रिस्पॉन्स देखना है सो गूगल शीट में रिस्पॉन्स आते हैं बाई क्रिएटिंग दी स्प्रेड शीट क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो इट विल आस्क मी दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू शीट और यू वॉन्ट टू गो विद सम समस्टिंग शीट सो आई विल क्रिएट अ स्प्रेड शीट दैट इज क्रिएट न्यू स्प्रेड शीट एंड आई एम प्रेसिंग क्रिएट जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा सो so, अलग से आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जैसे मेरा ब्राउजर अभी ब्लॉक कर रहा है तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ एंड देन आई कैन सी द गूगल शीट दैट इज टाइम स्टाम्प जब मैंने सबमिट किया था मेरा ई मेल एड्रेस और मेरे स्कोर क्योंकि अभी टू पॉइंट्स ही थे और टू में से मेरे कितने मार्क्स आए दैट इज ज़ीरो एंड व्हाट वॉज द क्वेश्चन व्हाट वॉज द आंसर तो देखा आपने कि कितनी इजी तरीके से मैं एक टेस्ट कंडक्ट कर सकता हूं और टेस्ट कंडक्ट करने के साथ यूज़र के मार्क्स भी ले सकता हूं, राइट सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए एंड वॉट एवर द आंसर मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ये वीडियो क्रिएट करूं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए आई विल डू द नीडफुल So subscribe my channel, like and share the video. Thank you.